यहाँ पर 1:16 पर मेरे पास पेपर वायरल होते हुए यहाँ पर आया, जो हमारे फीचर्स हैं, सिक्योरिटी कोड्स हैं, उनको देखा, QR कोड्स और बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं, उनके ज़रिए हमने ये पता किया कि ये किस बच्चे का पेपर है और किस सेंटर से लीक हुआ है। जैसे हमें पता लगा तो हम यहाँ सीधा भिवानी से जक्सी पहुँचे और यहाँ पर फिर हमने उसको, उस बच्चे को पकड़ा और उस इन्विजिलेटर से पूछताछ की, और उसके बाद सुपरिटेंडेंट, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट उनकी तरफ से वो स्टूडेंट्स के लिए और जो कंसर्न्ड इन्विजिलेटर था, सुपरवाइज़र था, उसके खिलाफ FIR दर्ज किया और जो जो इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ। सर कितने लोगों के खिलाफ टोटल FIR दर्ज हुई है? इनिशियली तो दो लोगों के खिलाफ हुई है, एक तो जो कंसर्न स्टूडेंट है जिसने अपने क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो खींचने दी, और दूसरा वो जो इन्विजिलेटर है जिसकी जिम्मेवारी थी उसे रोकने की, इन्विजिलेशन की, उनके खिलाफ की है। बाकी जिन्होंने खींची है उनके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे तो आगे पुलिस अपने कार्रवाई करेगी। तो कोई गिरफ्तारी भी इसमें करी है? अब तो इन्वेस्टिगेशंस हैं, पुलिस जब सेटिस्फाइड हो जाएगी अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस कर गिरफ्तारी करेगी। तो अब विभाग की तरफ से आगे तरह की कार्रवाई की, सेंटर शिफ्ट किया गया कुछ? हाँ, यहाँ से सेंटर हमने जो नज़दीक है उसी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है और जो है जो जो दोषी थे उनको रिलीव कर दिया गया। सर जो पेपर कैंसिल कर दिया गया, ये पेपर रहेगा? पेपर कैंसिल हो चुका।